छुई किसान के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बील में ऊंचे, दिखने में सुंदर काठी के और काम में दक्ष थे। बहुत दिनों से एक साथ काम करते करते रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विक्रम के नाते नहीं केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों की जोड़ी को पत्नी के आग्रह पर ससुराल कार्यवश भेज दिया, लेकिन बैलों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने समझा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है, इसलिए रास्ते में जाते समय उन्होंने झूरी के साले गया को पूरे रास्ते खूब झकाया। संध्या होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर चलने के कारण भूखे भी थे, इसलिए जब उन्हें नांद में लगाया गया तो बड़ी तेजी से खाने को उत्सुक हुए, लेकिन एक ने भी उसने मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था क्योंकि आज तक जिसे उन्होंने घर समझा वह आज उनसे छूट गया था। यहाँ उनके लिए सब कुछ नया था। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए ही एक दूसरे को कनखियों से देखा और अपनी मूक भाषा में सलाह की। जब रात में गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ सटपट चल पड़े। प्रातःकाल जब झूरी सोकर उठा तो अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को दरवाजे पर देखकर स्नेह से गदगद हो उठा। दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। साथ ही दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह छलक रहा था। झूरी ने दोनों बैलों को इस अवस्था में देखकर खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बार बार चूमने लगा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, लेकिन झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जलपन उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन बहुत काम न किया, भाग खड़े हुए। परंतु झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तभी तो भागा है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने पत्नी को चिढ़ाने के ख्याल से कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आ गया और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में चोट कर ले गया, जिससे वे उसे रास्ते में परेशान न कर सके। जबकि दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया क्योंकि गाड़ी गिरने पर चोट तो उन्हें ही लगती। हीरा ज्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा गया और कल की शरारत का मजा चकाने के उद्देश्य से उन्हें फिर वही सूखा भूसा दिया गया, जबकि अपने घर के बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, न ही ऐसा कभी खाने को दिया गया था। दोनों ने नांद की तरफ आंख तक न उठाई। अगली सुबह गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों बैलों ने अपनी जगह से न हटने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपने पैरों को तस से मस्तक नहीं किया। इस प्रकार हार मानकर गया ने उन्हें नांद पर लाकर बांध दिया। दोनों के सामने आज भी रूखा सूखा भूसा ही डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग अभी भोजन कर ही रहे थे कि एक छोटी सी लड़की घर से दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनकी भूख तो शांत होने वाली नहीं थी, लेकिन मानो दोनों के हृदय को एक अलग प्रकार की शांति मिली। धीरे धीरे दो चार दिनों में उस छोटी सी लड़की जो फौरी की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी, से दोनों की आत्मीयता बढ़ गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को खान पर बांध दिए जाते और रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता। बस रात को वही बालिका लड़की उन्हें रोटियां खिला जाती, उससे उनकी दोस्ती हो गई थी। एक रात दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई। रात को जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मोटी होने के कारण मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तभी उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला और वह लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ को चाटने लगे। उसने दोनों के माथे पर हाथ फेरा और बोली, खोल देती हूँ तुम दोनों को, चुपके से हाथ जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुमसे काम करवा करवा कर मार डाले।
दोनों की गराफ खोल दिए और भागने का इशारा किया, पर दोनों चुपचाप खड़े अभी सोच रहे थे कि हमारे भागने पर इस बच्ची पर आफत ना आ जाए। तभी वह चिल्ला पड़ी, गया घबरा कर घर से बाहर आया और भागते हुए बैलों का पीछा करने लगा। दोनों बैलों ने भागने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वे रास्ता भूल गए थे और भूख से व्याकुल हो रहे थे। अभी उन्होंने आजादी की सांस भी पूरी तरह नहीं ली थी कि देखा, अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। सांड भी हाथी की भांति विशाल काय था, उससे भागना भी कायरता ही थी, तो दोनों ने उससे सामना करना ही उचित समझा। जूही सांड हीरा पर छपता, मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया। सांड जब उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा। इस प्रकार सांड ने झल्ला कर हीरा का अंत करने की सोची। तभी मोती ने बगल से आकर सांड के पेट में सींग ठोक दी। अचानक हमले से घबरा कर सांड घायल होकर गिर पड़ा। तब दोनों मित्र विजय के नशे में उसे छोड़कर झूमते हुए आगे निकल गए। दोनों को लड़ने के कारण भूख लग रही थी। तभी उन्हें मटर का खेत सामने दिखा, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा लेकिन उसने एक न सुनी। उन्होंने अभी दो चार ग्रास खाए थे, तभी दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्र दलदल में फंसने के कारण भाग न सके। उन आदमियों ने उन्हें पकड़ कर काफी हाउस में बंद करवा दिया। जब वे काफी हाउस के अंदर पहुँचे तो देखा कि वहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों इस आस में टकटकी लगाए देखते रहे कि कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला बहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, चलो यहाँ से भागने का कोई उपाय निकाला जाए। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, रात का वक्त था, उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर का धक्का मारा तो मिट्टी का एक चिप्पर निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। उसका साहस देखकर मोती ने भी उसे जगा सींग मारना प्रारंभ किया। काफी मेहनत के बाद आगे दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवरों में भी जान आ गई। सबसे पहले तीन घोड़ियां सर पर भागी, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी जीव के त्यों खड़े थे। मोती ने उन्हें भी सींगों से मार मार कर बाड़ी से बाहर निकाल दिया और अपने मित्र हीरा के पास बैठ गया। क्योंकि हीरा मोटी रस्सी से बंधा होने के कारण भाग नहीं सकता था, इसलिए मोती भी नहीं भागा। अगले दिन बाड़ी की हालत देखकर वहाँ के चौकीदारों ने गुस्से में आकर हीरा और मोती की जमकर पिटाई की। अब उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाने लगा। कुछ दिन इसी तरह बिताने पर एक दिन नीलामी हुई और उसमें एक व्यापारी ने दोनों बैलों को खरीद लिया। दोनों मित्र उस व्यापारी के साथ चल दिए। चलते चलते सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उन्हें लगा कि यहाँ से अब उनका घर भी पास ही है, तो उन्होंने थोड़ी और फुर्ती दिखाते हुए घर के रास्ते की तरफ भागना शुरू किया। और जब तक अपने घर के थान पर नहीं पहुँच गए, रुके नहीं, व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागता आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था और अपने बैलों के बारे में ही सोच रहा था। एकाएक उसकी नजर अपने बैलों पर पड़ी। वह खुशी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों बैलों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा उसका पैर। तभी व्यापारी आ पहुंचा। उसने झूरी से कहा, ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलामी कराकर ला रहा हूँ। अभी वह बातें कर ही रहा था कि मोती ने उसकी ओर सींग चलाया। व्यापारी पीछे हटा तो मोती ने उसे दौड़ा लिया और तब तक दौड़ाता रहा जब तक व्यापारी गांव से बाहर नहीं निकल गया। फिर मोती विजय सूर की भांति वापस स्थान पर अपने मित्र हीरा के पास आ गया। थोड़ी देर में नांदो में खली भू
भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र बड़े चाव से उसे खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और उनकी शारीरिक कमजोरी को देखकर मन ही मन व्यतीत हो रहा था। तभी झूरी की पत्नी ने भी आकर